भैया हमने शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली है? वो भी इस लकड़े बिल्ले फौजी से? भैया आपने तो मुझे प्रोफाइल दिखाई थी बर्बादी.com पे और ये मुझे बहुत पसंद आए और फिर हमने शादी कर ली। हाँ भारती, मैंने तुझे इसकी प्रोफाइल दिखाई थी। मुझे क्या पता था कि ये एक फौजी है। तब मैंने इसकी बर्बादी.com पे इसकी प्रोफाइल देखी। इसने लिख रखा था कि इसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने तुझे इसकी प्रोफाइल दिखाई। अगर मुझे पता होता कि ये फौजी है तो मैं तुझे इसके पास कभी नहीं भेजता। मैंने तुझे इसे मिलके आने के लिए भेजा था, शादी करके आने के लिए नहीं। वो भैया सनी जी को जल्दी थी, वो इनको बॉर्डर पे जाना था ना, तो बस इसलिए हमने जल्दी शादी कर ली। भारती तूने अपनी जिंदगी नर्क बना ली इस लंगड़े लूले से शादी करके। मुझे ना तू एक बात बता, ये लंगड़ा लूला तुझे रखेगा कहाँ, खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, और ये तेरा ख्याल कैसे रखेगा, क्योंकि इसका तो एक हाथ ही नहीं है। तू खुद सोच के देख, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तू एक बात बता भारती, तू अपने जीवन में खुश रह पाएगी? और तू खुद सोच, ये एक हाथ से क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, सोच के देख। तूने ना अपनी जिंदगी बिल्कुल नर्क बना ली, इससे अच्छा है कि तू इसे अभी छोड़ दे। भारती तू मुझे एक बात और बता, तू अपनी जिंदगी जिएगी या इस लंगड़े लूले की सेवा करेगी? और तू खुद सोच के देख, ये कमाता कितना होगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मेरी पूरी 22,500 सैलरी आती है, और तो और मेरा सारा दवाई का खर्चा, मेरा खाने का पीने का रहने का सारा कुछ ना आर्मी वाले ही करते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं कितना कमाता हूँ? मैं पूरे 22,500 कमाता हूँ। मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा। 22,500 रुपए की तो मेरी बहन कुत्तों को बिस्किट खिला देती है, तू क्या खुश रखेगा मेरी बहन को? अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो, अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानता इस शादी को, तू निकल यहाँ से। भारती तू अंदर आ। भैया प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, अब ये जैसे भी है मेरे पति हैं, आपको इनको स्वीकारना होगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चल तू अंदर चल। भैया मेरी बात तो सुनो, भैया मेरी बात तो सुनो। भारती आज ना मकान मालिक किराया लेने के लिए आ रहा है, तो पैसे बाहर निकाल के रख लेना, ठीक है? ठीक है। अरे ये फोन किसका आ रहा है? हेलो, हाँ साहब आपका बेटा आ रहा है किराया लेने के लिए। ठीक है साहब। भारती एक काम कर, पैसे अभी ला के रख ले बाहर, वरना उसको मालिक का बेटा आ गया ना तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे पैसे जल्दी देने पड़ेंगे। ठीक है भैया अभी लाती हूँ। अबे तू, तू तो वही फौजी है ना? हाँ भैया आपने ना सच बचाना, मैं कोई फौजी नहीं हूँ, वरना मेरे हाथ पर टूट रहे हैं, वरना ही मैं आ पाई हूँ। मैं ना जिस फ्लैट में आप रहते हो मैं उसका मालिक हूँ, समझे आप? तो ये तो छोड़ो, ना जाने कितने ऐसे फ्लैट हैं जिनका मैं मालिक हूँ, और मैं बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर भी हूँ, समझे तुम? और सुनो तुम दोनों, मेरी भी ना एक खुद की कंपनी है और मैं उसका मालिक हूँ। तुमने क्या सोचा था मैं एक अपाहिज और लाचार एक फौजी हूँ जिसको तुमने घर से बाहर निकाल दिया? अरे तो आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। अब चुप, ज्यादा चालू मत बन। अब तक तू क्या बोल रहा था कि तेरा हाथ नहीं है, तेरा पैर नहीं है, मुझे तूने घर से बाहर निकाला था ना। अब मैंने तेरे को बता दिया मैं फ्लैट का मालिक हूँ और कंपनी का ओनर हूँ, तो मुझसे प्यार से बातें करने लगा? अरे आप तो नाराज हो गए, अब तो मेरी बातों का बुरा मान गए। और सुबह ही आपने मेरी बहन से शादी की थी ना, तो आप उसको ले जा सकते हो, और इस हिसाब से आप इस घर के रिश्तेदार हुए और मेरे जीजा हुए, तो आप इसे ले जा सकते हो। वाह क्या बात है, तूने तो ना गिरगिट की तरह रंग बदलना स्टार्ट भी कर दिया। मैंने तेरे को पैसे के बारे में क्या बता दिया, तू इतना भला बन गया मेरा? कल तक तो मुझे बाहर निकाला था घर से। और सुन, ना मैं तेरा जीजा और ना मेरी ये बीबी, कोई जयमाला डालने से शादी नहीं हो जाती है, शादी के लिए 7 फेरे लेने पड़ते हैं और पूरी रस्मों रिवाज से शादी होती है। तूने क्या सोचा जयमाला डाल दूँ शादी हो गई? नहीं। और सुन, ना मुझे तेरी बहन चाहिए और ना तू, दोबारा अपनी शक्ल में दिख गई हो, जिस हिसाब से ना किराया दे दे, जो तेरे पर काफ़ी दिनों का छड़ हुआ है, समझा तू? हाँ किराया तो मेरे पास रखा हुआ है। बुरा सुन, आज के बाद ना अपनी बहन की और अपनी शक्ल मत दिख गई हो, चलता हूँ मैं। अरे सन्नी बाबू रुकिए ना। देख नहीं आना भैया, आपकी नादानी की वजह से इतना करोड़पति लड़का हाथ से निकल गया। अरे मुझे क्या पता थी ये लंगड़ा लूला दिखने वाला लड़का इतना करोड़पति निकलेगा। आपके चक्कर में ना इतने सारे फ्लैट की मालकिन बनने से रह गई। मैं ना आपको कभी माफ नहीं करूंगी।